नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बडोला प्रॉपर्टी 2050 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक प्लॉट लेके आया हूं, और इस प्लॉट का मैं साइज बताने से पहले आपको थोड़ा सा इस कॉलोनी के बारे में बता देता हूं। ये कॉलोनी गेटेड कॉलोनी है दोस्तों, आपको यहाँ पर फुली गेटेड कम्युनिटी मिलेगी और पार्क फैसिलिटी इसमें दी गई है। रोड भी काफ़ी अच्छी दी गई है, 25 फीट की और 22 फीट की इसमें रोड साइज़ दी गई है दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं प्लॉट के बारे में बताऊंगा। ये जो प्लॉट है दोस्तों, आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, इसका 100 का फ्रंट है, 100 का इसका फ्रंट आपको मिल जाएगा दोस्तों, और जो डेप्थ मिलेगी 48 की मिलेगी। तो ये 533 गज का प्लॉट है, 533 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट है दोस्तों। इसमें से आपको जितना भी पोर्शन चाहिए होगा आपको मिल जाएगा दोस्तों। बहुत प्यारी ये कॉलोनी है, बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड कॉलोनी है दोस्तों। पक्की रोडें आपको इसमें मिल जाएंगी, आपको लाइट फैसिलिटी, वाटर कनेक्शन फैसिलिटी, ये सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप मेरे सराउंडिंग में देखेंगे तो आपको फॉरेस्ट के साथ साथ आपको हिली व्यू भी मिल रहा है दोस्तों, जो बहुत ही डेंस है, जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, ऐसी रहेगा। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिलने वाली है दोस्तों, आपको यहाँ पे सड़कें पक्की मिलेंगी, आपको पार्क फैसिलिटी मिल जाएगी, गेटेड कम्युनिटी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके इस कॉलोनी के सराउंडिंग में अच्छे अच्छे स्कूल्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अब मैं बात करूंगा ये कॉलोनी किस लोकेशन में है, कितने डिस्टेंस पे है। तो देहरादून के प्रेम नगर से अराउंड 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये लोकेशन मिल जाएगी दोस्तों। तो आप इजीली विद इन अ 10 मिनट इस कॉलोनी में रीच कर सकते हैं प्रेम नगर से, और बहुत ही इजी अप्रोचेबल ये कॉलोनी है दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत प्यारी ये लोकेशन है, और इस प्लॉट में जो ये 533 गज का प्लॉट है, इसमें आप जितना फ्रंट चाहे वो ले सकते हैं दोस्तों। मैं बात करूंगा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप फ्यूचर में इस लोकेशन को कहां तक देखते हैं। तो मेरे वो दोस्त जो लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ लो बजट में कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप एक अच्छी कॉलोनी में, ये R3 लैंड है, और R3 लैंड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों इस तरह की वेल डेवलप्ड कॉलोनी में, तो आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी भविष्य में अच्छी ग्रोथ मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा जो लोग रेडी टू मूव जो हाउस देखते हैं कि एक लोकेशन में हाउस हो और गेटेड कॉलोनी में हाउस हो, तो ये लोकेशन उनको भी फुलफिल करती है। यहाँ पे आप इजीली अपना घर बना सकते हैं, अपना चाहे तो फार्म हाउस बना सकते हैं, क्योंकि व्यू भी बहुत अच्छा है, जो एस्टिज रहेगा हमेशा फॉरेस्ट एंड हिली व्यू। आप चाहे तो वेदर देख सकते हैं, बहुत अच्छा वेदर यहाँ पे दोस्तों। और सबसे अच्छी बात इस कॉलोनी की यह है कि इस कॉलोनी में आपको रोड, जो रोड की विड्थ है, रोड साइज आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है दोस्तों। मिनिमम 25 फीट की रोड आपको इसमें मिल रही है, और मैक्सिमम 40 फीट तक की रोडें हैं इसमें हैं। ये इस कॉलोनी का बहुत ही प्लस पॉइंट है दोस्तों। आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी कॉलोनी डेवलप्ड है। तो इस तरह की लोकेशंस जिनका बजट है, जो इस तरह की कॉलोनी देखते हैं, गेटेड कॉलोनी देहरादून में, तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है। आप इस कॉलोनी को विजिट कर सकते हैं इस प्लॉट को देखने के लिए, और बाकी जो भी डिस्क्रिप्शन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, आप सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और जो मेरे दोस्त इस चैनल में नए आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप ये हमें बता सकते हैं। और जुड़े रहिएगा प्रॉपर्टी 2050 से। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।